उत्तरकाशी की टनल में फंसे बिहार के चार मजदूर, इकलौते बेटे सभा के इंतजार में परिवार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दीपावली यानी 12 नवंबर के दिन सुबह 4 बजे एक निर्माणाधीन टनल धस गई थी। पिछले 50 घंटे से ज्यादा समय से 40 मजदूर फंसे हुए हैं। चारधाम प्रोजेक्ट के तहत यह टनल ब्रह्म कमल और यमुनेत्री नेशनल हाईवे पर सिलकयारा और डंडल गाँव के बीच बनाई जा रही है। मजदूरों को पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन, भोजन और पानी पहुंचाया जा रहा है। इस टनल में बिहार के चार मजदूर भी फंसे हुए हैं। इसमें भोजपुर जिले के सभा अहमद भी फंसे हुए हैं। उनका परिवार सुरक्षित होने की दुआएं कर रहा है। माता पिता बेटे के वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। पूरा परिवार नम आंखों से लगातार उत्तराखंड सरकार से अपने इकलौते बेटे के लिए गुहार लगा रहा है। सोमवार देर शाम बचाव कार्य में लगे अफसरों ने कहा कि अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने में 2 दिन, मंगलवार रात और बुधवार रात का वक्त लग सकता है। सभा अहमद सहार थाना क्षेत्र के पेउर गांव के वार्ड नंबर 12 के रहने वाले हैं। पिता बिस्बा अहमद ने बताया कि वो लगभग 14 सालों से नवयुगा प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है। सभा इस कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर है। उसका निकाह 2017 में गजरागंज थाना क्षेत्र के रामपुर गाँव में सिवा खातून से हुआ था। अहमद के 3 बच्चे हैं। वो 2 महीने पहले ही छुट्टी पर अपने घर पेउर आया था। सवा 2 सालों से उत्तराखंड के उत्तरकाशी में काम कर रहा था। पिता बिस्मा अहमद ने बताया कि मेरा बेटा सवा अहमद घर का इकलौता बेटा है। वो और उसके साथ एक लड़का राहुल टनल में काम कर रहे थे। टनल के धसने के थोड़े देर पहले राहुल बाहर आया था। उसके बाहर आने के बाद ही टनल धस गई। घटना के बाद राहुल ने कॉल पर हम सब परिवार वालों को सूचना दी कि टनल धस गई है, उसमें मेरा बेटा फंसा है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हमारा पूरा परिवार चिंतित है। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। बेटे के लिए चिंता में घर के बाहर बैठी अहमद की मां शहनाज बेगम ने बताया कि एक दिन पहले ही उससे बात हुई थी। बोल रहा था आज रात भर की ड्यूटी है, कल से मेरी दिन की ड्यूटी होगी। घर में कमाने का वही एक जरिया है। बेटा पैसा भेजता है तो यहाँ पर घर चलता है। यह सब बताते बताते उनकी आंखों में आंसू आ गए। अपने इकलौते बेटे को आने की आस में बूढ़ी माँ बार बार दरवाजे की तरफ टकटकी लगाई बैठी है।